मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के चलते समय समय पर लागू हो रहे लॉकडाउन के बीच गरीबों और जरूरतमंदों को राशन संबंधी हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी 3 महीने तक 5 किलो निःशुल्क राशन देने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि गृहस्थी की श्रेणी में आने वाले राशन कार्ड धारकों को आगामी 3 महीने तक के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इन सब के बावजूद ऐसा भी कोटेदार के द्वारा लगातार राशन वितरण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण सैकड़ों ग्रामीणों ने परेशान होकर ग्राम प्रधान सुजोली राजेश गुप्ता के आवास पर घेराव का प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कोटेदार गुंजा पत्नी गंगाराम पर आरोप भी लगाया है। वहीं मामले पर सुजोली प्रधान राजेश गुप्ता का कहना है कि कोटेदार की शिकायत कई बार सप्लाई इंस्पेक्टर से की गई, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर लगातार कोटेदार को संरक्षण दिए हुए हैं। कोटे में अनियमितता के कारण विगत दिनों गुंजा देवी का कोटा निरस्त भी किया जा चुका है। इसके बाद वह बहाल हुआ था। बहाल होने के बाद से ही कोटेदार के द्वारा लगातार अनियमितता व घटतौली की जा रही है। वहीं शिकायत करने के बावजूद सप्लाई इंस्पेक्टर ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, यहां तक कि ग्राम प्रधान ने सप्लाई इंस्पेक्टर को हटाने की भी मांग की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि वही ग्राम सभा सुजोली के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी बहराइच, जिला पूर्ति अधिकारी को भी पत्र के माध्यम से समस्या से अवगत कराया है। गल्ला ना दे रहे, गल्ला ना देते, ना देते गल्ला। पर्ची कट गई है आपकी? हाँ, पर्ची कटा है। कितने महीने नहीं दिए अभी तक? ना दे महीने। गल्ला ना मिला, गल्ला ना मिला, गल्ला ना दे। खाली 2 दिन दौड़ाए तो मिले तो मिले, वो ना मिले तो गल्ला ना, ये खत्म हो गया। गल्ला कैसे कोटा खत्म? हमारे घर के कारण से गल्ला कैसे खत्म? मतलब पर्ची कट जाती है, गल्ला नहीं देते? पर्ची अभी रखी ना, गल्ला दी है। भैया इससे बहुत मैं जो है दुखी हूँ। खुद 4 महीने से मैं प्रधान बना हूँ, लगातार मैं दिवस भारती जो इंस्पेक्टर है उनसे शिकायत कर रहा हूँ। माननीय विधायक जी भी कहलवाया, लेकिन ना दिवस भारती इस बात पे सोच रहे हैं, ना तो कोटेदार को हटा रहे हैं। और इससे जन समस्या बनी हुई कहीं ना कहीं हमारे भी आरोप लगते हैं, प्रधान बेच लगता है, और इससे मैं बहुत आहत हूँ जी। हाँ, जहाँ कहिए वहाँ लिख के देने तैयार हूँ, इसकी सुधार हो। मैं सबसे ज्यादा दोषी दिवस भारती को मानता हूँ। यानी कोटा इंस्पेक्टर से आपने शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? एक बार भी नहीं, मैं बार बार हर महीने शिकायत करता हूँ जी, लेकिन वो जो सुनने को तैयार नहीं है।